जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग रामा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए रामा स्टील लिमिटेड, रामा ट्यूब्स लिमिटेड, कुछ लोगों को ये दोनों अलग अलग कंपनियां लगती हैं, जबकि कंपनी एक ही है, एक ही नाम है कंपनी का, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। नाम को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है, कंपनी एक है। हालांकि अब जो कंपनी के नए अपडेट निकलकर सामने आए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कंपनी अलग अलग कंपनी के साथ मर्जर जिसमें बात कही जा रही है जिस अपडेट में, और साथ में कंपनी ने खुद का भी एक अलग से देखेंगे तो डिफेंस का एक अलग से स्टॉक इसने बना लिया, जिसको मंजूरी भी मिल गई है एज ए कंपनी मंत्रालय की तरफ से। तो उस सारी अपडेट को मैं इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बताऊंगा, और देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन सभी अपडेट्स की बदौलत ही इस कंपनी का शेयर प्राइस इन दिनों रॉकेट बना हुआ है। तकरीबन 3 दिनों में स्टॉक 55% के आसपास चढ़ गया है, जबरदस्त पैसा बना है इस कंपनी में। जिन लोगों ने भी खासकर नीचे से जब प्राइस ऊपर की तरफ जो रॉकेट का मूवमेंट दिया है, और जिन लोगों ने भी निचले स्तर पर बाई किया हुआ इस स्टॉक को, जबरदस्त पैसा बनाया है उन लोगों ने। आगे भी क्या इसमें पैसा कमाने का मौका मिल सकता है कि नहीं इस स्टॉक में, चलिए इस बात को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अपडेट पर चलने से पहले BSE की इंडिया की वेबसाइट पर हम लोग इस कंपनी का डिटेल्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। BSE इंडिया की वेबसाइट पर देखेंगे स्टॉक अभी ASM स्टेज 1 में है। देखिए छोटे स्टॉक्स में ये समस्याएं देखने को मिलती है, या तो वो ASM या ESM की कैटेगरी में होती हैं, इसको लेकर परेशान नहीं होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ नोटिफिकेशन में देखते हैं। देखिए 10 सितंबर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कंपनी का जो भी मर्जर करने जा रहे हैं जिस कंपनी के साथ, तो आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। दूसरी जो अपडेट है वो ये कि चूंकि मर्जर की जब बात निकलकर सामने आती है तो उसमें ये कन्फर्मेशन भी लेना होता है जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी के लोग हैं जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो उसमें ई वोटिंग कराई जाती है। तो उस ई वोटिंग का जो कामकाज है वो आज से शुरू हो गया 13 सितंबर से, और मैं बता दूँ कि 13 सितंबर से डेट चलेगा 12 अक्टूबर तक, यानी कि अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आप इस ई वोटिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ई वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे और तब कंपनी को लगेगा कि ये लोग जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो उत्सुक हैं कि इस कंपनी का मर्जर किसी दूसरे कंपनी के साथ किया जाए। तो मर्जर हो या नहीं हो, इसके लिए आपका ई वोटिंग जरूरी है, और ई वोटिंग के लिए आपके पास 13 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का टाइम है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको मेल पर आ गया होगा कन्फर्मेशन, आप इसमें ई वोटिंग कर सकते हैं। और ध्यान देना है कि ई वोटिंग सिर्फ वही लोग करेंगे जो व्यक्ति 6 सितंबर से पहले, जिन लोगों ने 6 सितंबर से पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर रखे हैं, 6 सितंबर के बाद जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स बाई किए हैं, वैसे लोग एलिजिबल नहीं होंगे ई वोटिंग करने के लिए। ई वोटिंग आपको करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। प्लस चूंकि कंपनी का आप शेयर होल्डर्स हैं, तो एक तरीके से मालिकाना हक आपके पास भी है, तो अपना जो हक है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये न्यूज है, 3 दिन में ही 54% चढ़ गया रामा स्टील के शेयर्स, क्या वजह है यहाँ पे देखेंगे। तो रामा स्टील्स ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, दो बड़े बड़े खुलासे किए। दो बड़े बड़े खुलासे कौन, एक तो जैसे हमने बताया कि कंपनी ने मर्जर की जो बात कही है तो वो मर्जर की बात निकलकर सामने आई है। दूसरा है कंपनी ने जो अपना खुद का एक डिफेंस के लिए अलग से एक कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे पूरी जानकारी दी गई है क्यों इस कंपनी के शेयर्स उछल रहे हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि किस तारीख को BSE पर एक स्टॉक कितने रुपए पर ट्रेड हो रहा था, और अभी आगे क्या इसमें और तेज़ी इसमें आने की बात है। यहाँ पे पढ़िए आखिर क्यों उछल रहे हैं रामा स्टील के शेयर्स। तो यहाँ पे लिखा गया है रामा स्टील ने 4 सितंबर को एक्सचेंज को फाइल किया जाता है, एक्सचेंज को जो भी उस फाइल में जानकारी दी जाती है उसमें बताया था कि ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की जानकारी दी थी। यानी कि ये कंपनी है ओनिक्स रिन्यूएबल, ये जिसमें ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करेगी, इसके साथ भी पार्टिसिपेट करने की ये जानकारी दी है। और उनके मुताबिक इस सौदे के तहत सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर और सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स की सप्लाई करेगी। तो स्टील के सेक्टर में तो कंपनी खुद काम करती ही है, तो जिससे स्टील वाला काम इस कंपनी का पूरा हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो जिससे मैंने बताया कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए अपनी जो बात की थी 3 सितंबर को, इसके पहले कंपनी ने एक्सचेंज को ये जानकारी दी थी कि इसकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, उसे बनाया गया अभी हाल ही में, जिसे 31 अगस्त 2024 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिल गई, जिसकी बात मैंने शुरू में कही थी। अब ये जो कंपनी है जो डिफेंस वाली, ये सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में काम करेगी। तो ये जो दो बड़े बड़े अपडेट निकलकर सामने आए, जैसे एक जो मैंने बताया मर्जर वाली बात, और जो दूसरा मैंने बताया ये डिफेंस सेक्टर वाली बात, इसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में दिनों तेजी अब बनी हुई है। वैसे भी यदि ये जो कंपनी है रामा स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड, यदि जिसमें शुरू में बताया कि यदि सब अपडेट और न्यूज निकलकर सामने नहीं भी आते, फिर भी कंपनी में जो पोटेंशियल है कि इसके बदौलत खुद कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती थी। तो ओवरऑल जो बात है अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं इन दिनों, जिसके बदौलत
कंपनी के शेयर प्राइस में रॉकेट बना हुआ है। रॉकेट मूवमेंट से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ से प्राइस कितनी ज़बरदस्त तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया और अभी और भी ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कम से कम इसके डबल तो ये प्राइस जाएगा ही जाएगा। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं 16 रुपये का है, तो कम से कम 32-35 रुपये तक शॉर्ट टर्म में आपको जाते हुए दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो अपडेट मैंने दी है आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आगे मैं और भी अपडेट इस कंपनी के बारे में लेकर आऊँगा कि नए व्यक्ति जो बाइक करना चाहते हैं किस लेवल पर बाइक कर सकते हैं और क्या इसमें बाइक करना सही रहेगा कि नहीं। और चूंकि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो फी काफ़ी महंगा हो गया है, तो सारी चीज़ों को देखना हो किस लेवल पर बाइक कर सकते हैं, क्या सोच के बाइक कर सकते हैं, तो मैं आगे इसके बारे में अपडेट दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।